सर 17,800 आई भी और उसको ब्रेक भी कर दिया, ये पैनिक और बढ़ेगा टेक्निकली सर? और जिस मोमेंटम से हुआ है, जिस पार्टिसिपेशन से हुआ है, ये ऑब्वियसली बता रहा है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। और पूरे पिछले अगर आप 6-8 हफ्ते का एक्शन देखें तो मार्केट एक सेल और रैली मोड में चला गया, क्योंकि जब भी वो तेजी की तरफ जा रहा था तो रेजिस्टेंस लेवल्स ने अच्छी तरह से काम किया। तो मुझे लग रहा है कि ये और अभी खराब होगा, इतना जल्दी ये स्टेबलाइज होगा नहीं। और 17,250 से 17,300 हमारा सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है कि निफ्टी वहां तक धीरे धीरे हो सकता है कि अगले 5-10 दिनों में आ जाए, वहां पर हो सकता है एक पुलबैक हमें देखने को मिले। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो ये एक प्लेन वनीला करेक्शन नहीं है, इसको टाइम लगेगा, मार्केट को इमीडिएटली टर्न अराउंड नहीं होगा। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, लाइट रहिए, लेवरेज पोजीशंस कम रखिए। आई थिंक दैट विल बी द एडवाइस टू आवर व्यूअर्स। ठीक है गौतम, आप ये कह रहे हैं कि करीब करीब 200 दिनों के जो डेमा है, डेली मूविंग एवरेज है, 17,290 के आसपास बनता है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाँ 17,250 के आसपास आके एक पुल बैक आ सकता है। गौतम, एक चीज़ मेरे को आपसे और समझनी है। एक्चुअली फिर भी अगर मैं को एक रिटेलर हूँ और मैं आज ये समझता हूँ कि इस गिरावट का मेरे को फ़ायदा उठाना है और मैं फेजेज में बाय करूँगा, तो मेरे को फर्स्ट स्टांस में कहाँ आना चाहिए? काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि इंडेक्स में आ जाइए, क्यों शेयर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो इंडेक्स सबसे सेफ़ है। दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं, इंडेक्स को छोड़ दीजिए, वो बहुत तेज़ी से नहीं चलेगा, शेयर्स अच्छे करेक्ट हो गए नॉन अडानी वाले, तो वहाँ पर चले जाइए। तो आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पर? देखिए, इंडेक्स में ही रहना चाहिए। आई थिंक हम लोग ने पिछले 3 सालों में देखा कि यू नो मनी मैनेजर्स है वो कितना डिफिकल्ट होता है मनी मैनेजमेंट करना और इंडेक्स को बीट करना। तो इंडेक्स इज योर बेस्ट बेट अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यू नो प्ले करना है। और आपने कहा कि कहाँ पर लेना चाहिए, आई थिंक जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ट्रांस जो है 17,250-300 का लेवल है, वहां तक एक बार मार्केट को स्टेबलाइज करने दीजिए एंड आई थिंक यू कैन डिप्लॉय सम मनी देयर इन द लार्ज कैप्स। और उसके बाद आई थिंक टाइम मिलेगा अगले 2-3 महीनों में, सेकेंड ट्रांच थर्ड ट्रांच अपने देख सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 17,200 के आसपास मार्केट बॉटम आउट हो सकता है, हो सकता है कि वहां से हमें एक पुल बैक मिले और उसके बाद नई लो 17,000 के नीचे भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप काफी सेक्टर्स की जो चार्ट देखें, अगर आप बैंक्स हुआ, मेटल्स हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, FMCG हुआ, ऑटोज हुए, आई थिंक सारे चार्ट एक साथ काफी खराब हो चुके हैं और इस एनवायरमेंट में खराब हुए हैं जहां पर वर्ल्ड मार्केट एकदम स्टेडी रहे हैं। अगर आप US मार्केट्स को देखिए, यूरोपियन मार्केट्स को देखिए, वो सब स्टेडी है। तो ये काफी एक इंडिया सेंट्रिक फॉल है, कुछ तो गड़बड़ कहीं पर है, धीरे धीरे वो न्यूज आएगी। ठीक है, ये आपने बात साफ काफ़ी सही कही है कि हाँ इंडिया सेंट्रिक है गड़बड़, कोई ना कोई बात ज़रूर है जो सामने निकल के आ सकती है। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं वो जल्दी से जल्दी आए ताकि सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन, यही मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं है और इससे हम बाहर निकले, क्लैरिटी होनी चाहिए ज़्यादा। गौतम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और हम आपकी बात को बिल्कुल नोट करके बैठे हैं कि 17,200 तक और कोई बड़ी बात नहीं, उसके नीचे भी आप चले जाएँ, इसलिए कोई जल्दबाजी कोई कोताही ना बरतें अभी, ना ही एवरेज के लिए दौड़ दौड़ के आएँ, एक तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और दूसरा, अगर आप कोई SIP के जरिए निवेश करना भी चाहते हैं तो उसको सिस्टमेटिकली तरीके से कुछ कुछ पैसा लगाना ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जो नॉन अडानी ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट